भागलपुर में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला प्रमुख एक युवक को मुंगेर से भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के नाथनगर में काली पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों के बाहरी दीवार पर झंडा लहराकर माहौल बिगाड़ने वाले प्रमुख युवक नूरपुर निवासी शिवम कुमार को भागलपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी है। सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि काली पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान ललमटिया थाना अंतर्गत नाथनगर टमटम चौक के समीप एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों के बाहरी दीवारों पर गिरफ्तार युवक ने एक विशेष रंग का झंडा लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे गठित पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि भागलपुर पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा निर्देशानुसार सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी जा रही है। इसी क्रम पे 2/11/24 को काली पूजा का विसर्जन के समय लालमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के पास एक विशेष धार्मिक स्थल पे बाहरी दीवार पर एक विशेष रंग का झंडा एक युवक के द्वारा लग रहा जा रहा था। ये सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस उस जहां पे पहुंच गया है, उस समय वो अभियुक्त भाग गया है। 4/11/24 को मुंगेर से ये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास भी पता चला है। ललमटिया थाना कांड संख्या 809/23 में फिरौती के तो अपहरण का इनका विरोध दर्ज किया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बनाए जा रहे घाट का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सीनियर एसपी आनंद कुमार अधिकारियों के साथ घाटों का निरीक्षण करने नाव से निकल पड़े। इस दौरान जिलाधिकारी और सीनियर एसपी ने कहा कि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा दिए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। जिलाधिकारी और सीनियर एसपी ने कहा कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। भागलपुर शहर में गंगा किनारे करीब 60 की संख्या में हमारे पास घाट है। उन सभी घाटों पर हम लोग निरीक्षण पूर्व में भी किए थे और अभी भी छठ घाटों की तैयारियों का निरीक्षण मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, म्यूनिसिपल कमिश्नर, एसडीओ, एसडीपीओ, सीटीएसपी एवं अन्य पदाधिकारीगण भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्व में निर्देश दिया गया था उसका कहाँ तक अनुपालन हुआ है। साथ ही विभिन्न छठ पूजा समितियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर यह प्रयास कर रहे हैं कि छठ पूजा को की जो धार्मिक हमारी आस्था है इसको काफी पवित्रता के साथ हम लोग सेलिब्रेट करने में आम लोगों की मदद करें और अन्य सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कराएं। देखिये, तीसरे चरण का निरीक्षण अभी हम लोग करने जा रहे हैं। हम और डीएम साहब और तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और 60 से भी ज्यादा घाट शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी और भी घाट है। पोखरों में छठ मनाया जाता है, पोखर के किनारे, तो सभी घाटों का निरीक्षण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ जो भी साफ सफाई के इंतजाम हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उस दिन की व्यवस्था की जा रही है उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और प्रत्येक घाट पे सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट और साथ में गोताखोर, इनकी उपलब्धता रहेगी। हमारे कुछ महत्वपूर्ण घाटों पर एसडीआरएफ की टीम भी जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात रहेगी और क्यूआरटी जो मोटरसाइकिल पार्टी है हमारी, वो भी जो आने जाने छठ घाट पर जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनकी भी लगातार निगरानी करेगी और पूरे उस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए हम लोग कुछ जगहों पर आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा, ये जो पर्व के 2 दिन पूर्व ही उसको पेपर के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से उसको जारी भी कर दिया जाएगा। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कल कद्दू भाग से हो जाएगा। इसको लेकर आज भागलपुर के बाजारों में कद्दू की खरीदारी के साथ छठ महापर्व में लगने वाले सामानों की खरीदारी करने खरीदार भागलपुर के बाजारों में पहुंचे। हालांकि इस बार कद्दू के दामों में इजाफा नहीं देखा जा रहा है, फिर भी लोग कद्दू की खरीदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मान्यता के अनुसार नहाए खाए के दिन व्रती के साथ सभी लोग कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ व्रती काफी नियम और निष्ठा से इस प्रसाद को बनाती है। श्रम संसाधन विभाग बिहार तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के सौजन्य से श्रम संसाधन विभाग की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत भवन, सड़क, बांध, पुल, पुलिया निर्माण से जुड़े सभी प्रकार के श्रमिकों, जिसमें राजमिस्त्री, रेजा, बढ़ई,
लोहार, बिजली मिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, प्लम्बर, बोल्डर, ढलाई मशीन से जुड़े कर्मी एवं चालक, रोलर, डोजर, डंफर चालक सहित अन्य संबंधित मजदूरों को 16 प्रकार की योजनाओं के लाभ प्रदान वाली योजना के प्रचार प्रसार के लिए भागलपुर रेलवे स्टेशन घंटाघर चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कला कुंज बिहार के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक, गीत एवं संगीत के माध्यम से लोगों को बताया गया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के संबंधित मजदूरों का लेबर कार्ड ऑनलाइन बनाया जाता है। किसी भी वसुधा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर 50 रुपए में 5 वर्षों तक का लेबर कार्ड बनाया जाता विभाग द्वारा कराया जा रहा है। ये बहुत अच्छी योजना है। लेबर जो घर बनाने घर बनता है उसमें जो राजमिस्त्री है, जो उसमें मजदूर का काम करते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, चाहे उसमें जो इलेक्ट्रीशियन है, जो बिजली का काम करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, जो भी मजदूर उसमें करते हैं घर बनाने में, सड़क बनाने में, बांध बनाने में, उन सभी मजदूरों के लिए ये योजना है बिहार सरकार की। इसका नाम है भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजना। इसमें मात्र 50 रुपया आपको लगता है। एक बार जाइएगा साइबर कैफे में वसुधा केंद्र पर, 2 फोटो अपना ले जाइएगा, आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा, बैंक का अकाउंट नंबर ले जाइएगा और एक प्रमाण पत्र उसमें लगता है कि हम 90 दिन से फलाने रोजगार में हम लगे हुए हैं। वो उसका अपने से आप लिख दीजिएगा कि हम 90 दिन से हम राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, चाहे 90 दिन से फलाना तारीख से फलाना तारीख तक, 4 महीना से, 5 महीना से, मैंने 90 दिन का उसमें चाहिए कि 90 दिन से हम बढ़ई का काम कर रहे हैं। और ये बनता है 18 साल से 60 साल के जो व्यक्ति है उनका। बाईपास थाना क्षेत्र के खीरी बांध गांव के पास नाले में एक नवजात का शव मिला है। शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आशंका जाहिर किया है कि 2 दिन पहले ही किसी ने नवजात का शव नाले में फेंक दिया होगा, क्योंकि नाले के पानी में शव के रहने से शव फूल गया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने बाईपास थाना पुलिस को दी। मौके पर बाईपास थानाध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों एवं पड़ोसी राज्य झारखंड से काफी संख्या में छठ व्रती भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान कर आज से छठ पूजा की तैयारी में जुट जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा से पहले गंगा स्नान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा स्नान के बाद शुद्धता नियम निष्ठा के साथ छठव्रती आज से प्रसाद की सामग्री की खरीदारी और तैयारी करने में लग जाएंगे। छठव्रती और श्रद्धालु बता रहे हैं कि किस तरह से नियम निष्ठा और पवित्रता का ख्याल महापर्व छठ पर रखा जाता है। भागलपुर घाट नहाने के लिए आज से क्या नियम निष्ठा होगा? ऐसे रसून प्याज कुछ नहीं खाएगा, पहला अर्घ बृहस्पति का है। और आज से पूजा सामग्री की खरीदारी वगैरह में क्या क्या करेगा? नारियल लेंगे, सूप लेंगे, कद्दू लेंगे, चावल दाल कदुआ भात का जितना लगता है, फल फलहारी सब लेंगे। ये बहुत निष्ठा वाला पर्व है और बहुत पवित्रता वाला पर्व है। आज छठ पूजा को बड़ा महापर्व कहा जाता है। छठी मैया पर कितना भरोसा? बहुत 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 एकदम दिन से भरोसा, बहुत हमको विश्वास है। मैया सुनती है? बहुत, मेरा तो सुनती है। हम तो विश्वास करके देख चुके हैं और मेरा मनोकामना जो है वो पूरा भी हुआ है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर में मर्डर करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते शाम तिलकपुर निवासी हरखित सिंह के 22 वर्षीय पुत्र रमेश सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के वजह से रमेश सिंह को टारगेट कर रमेश सिंह को 3 गोली सीने में अपराधियों ने मारकर मौत के घाट उतार दिया। रमेश सिंह की मौत घटनास्थल पर ही गई। रमेश सिंह काली पूजा विसर्जन के दिन तिलकपुर के नासोपुर चौक पर अपने बनाए बासा पर बैठे हुए थे। घटना उस समय घटी जिस समय नासोपुर चौक पर मां काली विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान युवाओं के द्वारा अखाड़ा का प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी समय 10 के संख्या में अपराधी आए और गोली मारने से पहले अपराधियों ने रमेश सिंह के शरीर पर टॉर्च लाइट से पहचान की।
रमेश सिंह के साथ कुछ और युवक बैठे थे। पहले उसे गाली गलौज कर भगाया गया, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक रमेश सिंह परिजनों का कहना है कि जिस समय रमेश सिंह को गोली मार रहा था उस समय मृतक रमेश सिंह का भतीजा भी मौजूद था। वह अपनी जान बचाकर भागा और परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी। इस मामले को लेकर आनन फानन में सुल्तानगंज थाना को परिजनों ने घटना की सूचना दी। परिजनों का कहना ये भी है कि अपराधी रमेश सिंह का शव लापता करने के फिराक था। मौके पर 112 की पुलिस पहुंची तो उस पर भी अपराधियों ने गोली चलाया है। उधर से उस आ रहा था, उधर से आ रहा था, सब वो लोग हथियार से था, उस प्लानिंग करते हुए जा रहा था कि किसी को मरना है। कौन कौन था हथियार के साथ? था अनीस कुमार पहला, अनीस कुमार पिता का नाम सुनील सिंह, जनवरी जनवरी उप चंदन कुमार, मोतो सिंह पिता पिता, और चारों भाई देवो यादव का बेटा था। चारों भाई कौन? चौथी क्या बोलते हैं, फाटक सेंटू मंटू सब ये रुके। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर काली मंदिर परिसर में काली पूजा के अवसर पर आयोजित जागरण कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर अश्लीलता का नंगा नाच देखने को मिला। पुलिस के सामने ही बार बालाओं ने मंच पर अश्लील ठुमके लगाए और धार्मिक आयोजन की पवित्रता को ठेस पहुंचाए। इस कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों का भारी जनसमूह उपस्थित था, जो ये देखकर स्तब्ध रह गए कि आधा दर्जन पुलिसकर्मी जिनकी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखना था, वे मंच के पास बैठकर पूरे आयोजन का आनंद लेते नजर आए। पुलिस द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई अंकुश न लगाने से स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी देखी गई। इस कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर अश्लील नृत्य के दृश्य देखकर ग्रामीणों ने इसे देवी की पूजा का अपमान बताया। उनका कहना है कि इस तरह की हरकतें हमारे समाज की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति गंभीर अपमान है। ग्रामीणों का मानना है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की गतिविधियां अनैतिक और निंदनीय हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की आयोजनों पर रोक लगाई जा सके। कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दो डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने रविवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात एक चारी थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिला कि एक कुख्यात अपराधी चंद्रिका मंडल पिता गरीब मंडल साकिन छोटी मोहनपुर थाना एक चारी, जो देशी कट्टा लेकर बड़ी मोहनपुर काली पूजा मेला में घूम रहा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। थानाध्यक्ष एक चारी द्वारा प्राप्त सूचना के संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया और वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी हेतु टीम के साथ जैसे ही थानाध्यक्ष एकचारी ग्राम बड़ी मोहनपुर पहुंचे तो बड़ी मोहनपुर मेला के तरफ से एक व्यक्ति आ रहा था, जो पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया, परंतु बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम चंद्रिका मंडल बताया। पकड़ाए चंद्रिका मंडल का विधिवत तलाशी लिया गया तो उनके दाहिने कमर में लुंगी के अंदर छुपाकर रखा एक देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसका बैरल खोलने पर एक लोडेड जिंदा गोली बरामद हुआ और उनके गला में एक काले रंग का बटुआ टंगा हुआ था, जिससे तीन जिंदा कारतूस, सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल और एक चिलम बरामद हुआ। इस संदर्भ में आर्म्स एक्ट की धारा के अंतर्गत एकचारी थाना में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त चंद्रिका मंडल का आपराधिक इतिहास पाया गया है। चंद्रिका मंडल के विरुद्ध एकचारी थाना में कई कांड दर्ज है तथा आरोप पत्र समर्पित है। हाँ, पुलिस को सूचना मिली कल की रात में, तो हम लोग एकचारी थाना के मोहनपुर गांव के आसपास हम लोग डेरा डाले ताकि इसको पकड़ा जा सके, क्योंकि लोडेड कट्टा लेकर घूम रहा था। किसी से जानकारी मिला था हम लोगों को कि किसी से ऐसी दुश्मनी है, आज मौका उसको तलाश रहा है और घटना को अंजाम दे देगा। तो हम लोग भी पीछे लग गए, पीछे लगते हम लोग एक जगह जब भागना चाहा तब तक हम उसको पकड़े तो इसके पास एक लोडेड कट्टा और तीन अन्य मतलब उसकी लुंगी में लगा हुआ तीन गोली जो बांध कर रखा हुआ था पाया गया। कुल मिलाकर एक कट्टा चार गोली हो गया। आपराधिक इतिहास, हाँ इसका आपराधिक इतिहास है। एक कुख्यात अपराधी है चंद्रिका मंडल, पिता गरीब मंडल, ग्राम छोटी मोहनपुर, थाना एक चारी, जिला भागलपुर।